ये 1 इंच कपड़ा हमने बैक पार्ट के लिए छोड़ा है क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा बनेगा। अब हम इस लाइन से शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे। चाकी का निशान लगाने के लिए आपकी जितनी भी हिप ली थी, हमने यहाँ पे जितना भी हिप लिया था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हिप का 1/4 पार्ट लिया था 8.5 इंच, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके यहाँ पे चाकी का निशान हम 9.5 इंच पे लगाएंगे।
इसकी लंबाई 32 इंच चाहिए, इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 36 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। ये हमारा पेस्टिंग बुकरम है, तो इसे हमने पेस्ट कर लिया इस पर। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने बुकरम के ऊपर कपड़ा लगा लिया है और उसके ऊपर से लेस लगा ली है और इस तरीके से लगा के इसे तैयार कर लिया है।